की बात जो है उन्हें नहीं करनी चाहिए। एनीवे इस पर बात करेंगे सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में भी। अभी बढ़ते अपने फर्स्ट हाफ की जानब जो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से होता है, पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है सब पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से, उस पर हम बात करते हैं। मैं अपने मेहमान जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। जो मेरे साथ पहली मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, मेंबर हैं यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के, प्रेजिडेंट हैं ISF हजारा डिवीजन के और डॉक्टर मेडिकल के स्टूडेंट हैं ऐसा नवीद इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं मास्टर्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैविस्ट इस्लामाबाद से सैयद हैदर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हैदर तशरीफ लाने का वक्त देने का। ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में, मुझे तो सवाल भी नहीं मिलता ढूंढने के पूछने के लिए, क्योंकि अभी हम जफर अली शाह साहब से बात कर रहे थे और एक बहुत सीरियस चीज के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इदारों का टकराव। एज अ यूथ ऑफ पाकिस्तान आप क्या देखते हैं कि चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाने के बजाय, एक आम आदमी को मसाइल हल करने के बजाय, जो लोग जिम्मेदार हैं मसाइल हल करने के लिए वो खुद इंस्टीट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? देखिए जी, सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हमने जुडिशरी को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। जुडिशरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दे डिफाइंड, वो सबसे पहले एक सल्तनत के लिए ज़रूरी हैं, जिस तरीके से बाकी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, जिस तरह दीन हमारे लिए ज़रूरी है। अभी जो टकराव बीच में आ गया है एक पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान, मुझे डर इस बात का है कि कहीं हम एक बनाना रिपब्लिक की तरफ ना चले जाएं जहां पे हुक्मरान और जो बड़े ओहदों वाले हैं वो तो बच जाते हैं मगर एक आम आदमी को इंसाफ नहीं फराहम होता। तो अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि डर है, अगर कंट्रोल ना हुआ, अगर रिस्पेक्ट वो ना दी गई जो हमारी मूवमेंट थी जुडिशरी के बारे में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी हुए इसमें, तो फिर यही देखने को फिर मिलेगा हमें। अच्छा, यूथ पार्लियामेंट के मेंबर हैं आप, क्या फ्यूचर में कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है? देखिए जी, आज इशू जिस तरीके से आपने सेनेटर साहब से बात की कि इशू भी जुडिशरी का ही था, ठीक है, जिसको अभी ओवर हुक किया गया। जब लॉन्ग मार्च का सारा ड्यूरेशन शुरू हुई और एक मूवमेंट चली, तो हम सब ने एक प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश की कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे मुल्क को बका दे सकता है, रिस्पेक्ट दे सकता है। और ये जो एक रिस्पेक्ट एक इंस्टीट्यूशन की हमारे मुल्क में जो डेवलप थी, वो जो डिस्टर्ब होगी उसको कौन रिस्टोर कर सकता है? तो हम इसीलिए फिर हमने तरीके इंसाफ ज्वाइन की, फिर उसकी स्टूडेंट, बिकॉज आई वाज स्टूडेंट, और हमारे जितने स्टूडेंट फेडरेशन के जो मेंबर्स थे उन्होंने फिर अपने इसको आगे लेके गए। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में जी, वंस आई कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBBS आई लव पॉलिटिक्स। अच्छा, यूल ऑफ पॉलिटिक्स, चले भाई तरीके इंसाफ से पूछूंगी आपसे, पहले थोड़ा सा हैदर से बात करते हैं। हैदर, अभी आप चाइना का विजिट करके आए हैं, जो पाकिस्तान यूथ डेलीगेशन गया था चाइना, कैसा एक्सपीरियंस था? चाइना के लिए तो ये कहूँगा कि दुनिया में पाकिस्तान की जो वाहिद एक कौम है जो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करती है वो चाइना है। आप जो दोस्त है पाकिस्तान, दोस्त है, कोई मुस्लिम कंट्री भी आपको वैसे रिस्पेक्ट और वो ऑनर नहीं देता और वो आपके साथ फ्रेंडशिप शो नहीं करता जो चाइना आपके अच्छा, साथ। हुकूमत को गुस्सा नहीं आता, हुकूमत ने चाइना को भी कुछ नाराज कर दिया, वो बेचारे भी कंफ्यूज हो गए कि हमारे दोस्त हैं कि नहीं। मैं बात करूं ग्रास रूट लेवल की, ग्रास रूट लेवल पे ना आपके जो आम बंदा है जो अमेरिकन को ब्रिटिश को इतनी को कुछ नहीं समझता, लेकिन अगर उसे पता है कि ये पाकिस्तानी है तो आपके साथ इतने खुले दिल से मिलता है जैसे आप उसके पास। अच्छा, मतलब आप वहाँ पे चाइनीज लोगों का एटीट्यूड बता रहे हैं? जी जी, मैं आपको उधर स्टूडेंट्स का एटीट्यूड बता रहा हूँ, उधर जो मतलब शॉपकीपर्स हैं और उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, वो आपके आपकी सही टू से इंग्लिश भी नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे इस तरह मिलते हैं। आपको सॉरी होने वाली बात नहीं, हमें कोई अंग्रेजी का क्रेज और फोबिया चढ़ा नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी गुड कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेज के साथ स्टिक करते हैं। हम एक दो जुमले चाइनीज के सीख के गए थे, चार पाइना फ्रेंडशिप लॉन्ग लाइफ के वाले से, वो हम जो ही उधर अदा करते हैं उनको पता लग जाता है ये चाइना ये पाकिस्तान से आए, इतना खुश होते हैं और काफी अच्छा। चाइनीज लोगों के हवाले से कि उनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ, या फॉर दैट मैटर चाइनीज गवर्नमेंट के क्या सेंटिमेंट्स हैं, उनके ऊपर तो हमें कोई शक नहीं है। मैं तो अपनी हुकूमत का पूछ रही हूँ कि ये क्यों नहीं वो हमें शर्मिंदगी होती है कि जिसी तरह जब चाइना पाकिस्तान आएंगे उनकी कोई यूथ डेलीगेशन मुमकिन है सेप्टेम्बर में आई, तो हम उनको वो ऑनर और वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं या नहीं, कि इस तरह जिस तरह वो हमें हमारे साथ क्यों आपको ये शक क्यों है कि हम उनको वो ऑनर और रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे? वो इसलिए कि मतलब हमारे चूंकि मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह से हैं, टेररिज्म हो गया, दूसरे प्रॉब्लम्स हो गए, हम उनको उतना ओपनली अपने अवाम में नहीं ले जा सकते जैसे आप लोग गए, जैसे हम लोग उधर गए, तो वो चीज महसूस करेंगे, एक उनको झिझक सी लगेगी, एक उनको दूरी महसूस होगी, एक बीच में खलास उनको। अच्छा, ये तो खैर आपने कहा कि वो डेलीगेशन आएगा तो हम उनको कैसे यहाँ पे एंटरटेन करेंगे, कैसे उनको यहाँ पे उनका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ये जो सारे मसाइल आपने गिनवाए कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको अपने एडवोकेट देख के एज ए यंग पाकिस्तानी आपको क्या अपने लिए क्या इम्प्रेशन लेते हो आप? बस ये होता है कि चाइना से तो हमें
लगा कि वो कितनी प्राउड है अपनी नेशन एक ऐसा, और हमें मतलब इधर देख के हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई मेहमान भी ना आए कि हम मेहमान नवाजी उनकी कैसे करेंगे। तो ऐसा ही होता है कि आपके जब मुल्क में इतने घर में इतने, वो कहते हैं ना गालिब को एक शेर है कि थी खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। तो आज ही हमारे घर के ऐसे हालात है कि हम उनको काफी अच्छा प्राउड नेशन ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने चाइनीज कॉम के लिए कि प्राउड नेशन। हम नेशन है पहले तो ये बताएं, और अगर हैं तो फिर हम प्राउड नेशन क्यों नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो हमसे अच्छी कोई नेशन है नहीं इस वक्त दुनिया में, और इस वक्त हम उस काबिल, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, अपोजिशन भी एक अच्छा किरदार अदा करने की तरफ बढ़ रही है, और जो पार्टीज इस वक्त अपोजिशन में नहीं है वो इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं कि इंशाल्लाह इन द फ्यूचर जो अभी हालात हम देख रहे हैं इससे मजीद मेरा नहीं ख्याल के और बदतर हो सकते हैं, इससे बेहतर ही होंगे। एंड वी आर अ प्राउड नेशन एंड वी शैल बी अ प्राउड नेशन। को डिफाइन करें थोड़ा सा, इधर कंट्राडिक्ट करूंगा कि हम उधर जाके आप लगे उनके बच्चों को देखे कि हम नेशन नहीं हम हजूम है, क्योंकि उधर हम हम उधर गए, उधर उनके बच्चे एक हॉल में बैठे कैलीग्राफी कर रहे थे, हम 100 का 100 यूथ डेलीगेशन इंटर हुआ और उन्होंने सर उठाकर नहीं देखा कि कोई आया है कि नहीं आया, वो इतने मुनज्जम तरीके से अपने काम में हमने उन एक बच्चे को उठाया कि हम आपकी पिक्चर लेते हैं, वो आया उसने पिक्चर ली और फिर चाइनीज में अपने फादर से या जो भी था उससे बोला कि मैं जाऊँ अपना काम करूँ, तो वो देख के हम बिल्कुल हैरान हो गए कि यार ये कैसे इस उम्र में हमारे बच्चे गलियों में फिर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, उन्हें कोई काम दे दो तो जो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है उन लोगों की, वो वजह है कि आज वो वहां पर हैं जहां पर वो पहुंचे। मैं ऐसे से पूछती थी कि नेशन को डिफाइन कैसे करते हैं आप? अ नेशन इज डिफाइंड एज एन आइडेंटिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन इट एज द बेसिक। क्या हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है? यस वी आर पाकिस्तानीज, बट द थिंग इज कि जो अभी रिसेंट हालात गुजर चुके हैं हमारे, जो हमने मुश्किल वक्त देखा है, कुछ थोड़ी सी मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है हमें, और सेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, सेंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्या नहीं, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे आके असली असली सच्ची सच्ची बातें करते हैं। मैं पंजाबी हूँ, आपका ताल्लुक हजारा से है, वो पश्तो है, वो भाई बलोची है, हमारी तो ये डिविजन है, हम तो वो सिंधी है, ये वो सिंधी है और उसके सामने मैं पंजाबी इसलिए बोलूंगी कि ताकि उसको थोड़ा सा वो फील कराऊं कि फाइन है वो ट्राइबल। जो ट्राइबल एफिलिएशन है, जो प्रोविंशियल एफिलिएशन है, वो तो हमारा एक ट्रेडिशन है, वो तो हमारा एक कल्चर है, वो तो हमारी सकाफत है, वो तो रहेगी, बट इन द एंड एंड इन द स्टार्ट वी आर पाकिस्तानीज, व्हेनेवर वी गो आउट वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान। द प्रॉब्लम इज कि इन द एंड वी आर पाकिस्तानीज, नॉट इन द स्टार्ट। इन द स्टार्ट वी स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट इश्यूज, हम शुरू कहीं और से करते हैं, हम खत्म करते हुए कहते हैं जी हम पाकिस्तानी। मैं एग्री करूंगा क्योंकि हम अभी जब सुबह पख्तूनख्वा बना तो वो यही कहते थे कि हमें अपनी शिनाख्त मिल गई, क्योंकि उनको उनके पास पहले शिनाख्त नहीं थी, पहले पाकिस्तानी तो थे वो, उनके पास सरहद का। अच्छा जो आपने बात कही है, जिम्मेदार कौन है इस तरह के डिविजन बनाने के लिए, क्योंकि एक आम आदमी जिम्मेदार नहीं है। ये वो जिम्मेदार है जो ये नहीं सोचते कि ये इशू कहाँ तक इम्पेक्ट करेंगे, इसका इम्पेक्ट कितना बड़ा होगा, और ये अब सुबह हजारा, ये अब ये सिर्फ 2 अरब रुपए की बात नहीं है कि आप उससे आप एक नाम चेंज कर लिया तो वो सिर्फ 2 अरब रुपए आपको कॉस्ट करेगा, बल्कि इसमें हर आपने बहुत सारे पैसे कम करने हैं। हर वो सूबे में रहने वाला हर शहरी सफर करेगा जब उसको शिनाख्ती कार्ड अपना चेंज करना पड़ेगा, जब उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, घर के कागजात और छोटी छोटी पासपोर्ट हर चीज। वो तो इस सिचुएशन में कि जिधर आपके मुल्क में गैस का मसला है, बिजली का मसला है, पेट्रोल है, चीनी है, आटा है, उधर आप ये छोटी छोटी टेंशन भी आप अपने ये भी ठीक है। और ऐसा क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि सियासी जमातें जो हैं अपनी सियासत की दुकानें चमकाने के लिए लोगों को इस तरह के काम करते हैं? पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है ये सारा इशू जो क्रिएट किया गया है उसको अगर हम इस रुख से देखें कि जो सही इशूज हैं जिसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसे डाइवर्ट करके, टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, उसे डाइवर्ट करके एक नया इशू दे दिया गया, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इसे कोई इख्तलाफ नहीं होगा। हजारा इज बेसिकली वो है तोड़-जोड़ है। यस, हजारा इज अ मर्ज ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स। ठीक है, आई नो यू आर फ्रॉम हजारा, टॉक अबाउट हजारा। और जो हजारा सिर्फ और सिर्फ आए थे इस्लाम के लिए, मुजाहिद थे, दीन की सरबुलंदी के लिए आए थे, यही हाल हमारे पूरे सूबे का। ठीक है, अब ANP या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आपको फर्दर डिवाइड करती है या अगर आपको
रीनेमिंग का इशू करती है, तो इतनी सी हमारी डिमांड थी उनसे, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी उनसे जो कोएलिशन में नहीं थी, कि अगर आप रेफरेंडम कर लेते हैं, अगर आप उन इलाकों के बासियों से, उन इलाकों के लोगों से अगर आप मशवरा कर लेते तो मजीद बेहतर होता। बिल्कुल ठीक है, इस पर मजीद बात करूंगी, इस ब्रेक का वक्त टेक अ ब्रेक है। इरफान और सैयद हैदर अब्बास मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि